अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में पूरे जिले की ऑटो चालक आज धरने पर रहे। इस दौरान उनका कहना था कि यदि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन द्वारा चक्का जाम, धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे यह लोग ऑटो चालक हैं। उनका कहना है कि सरकार एवं आरटीओ द्वारा फिटनेस के नाम पर समय अवधि पूरा होने के बाद एक सप्ताह से पहले लग रहा दंड शुल्क बंद किया जाए और अनेक प्रकार से हो रहे वाहन मालिकों से अवैध वसूली को रोकते हुए उत्पीड़न को बंद किया जाए। इतना ही नहीं, ऑटो रिक्शा परमिट 15 साल की जाए। ऑटो चालकों का आरोप था कि नगर में प्रवेश के नाम पर नगर पालिका नगर पंचायतों में हो रही अवैध वसूली पर अंकुश लगाया जाए और सड़क के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा तथा लाल पीली एवं हरी लाइटें लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि बिना कागजात व शराब तथा नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले चालकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए 2 सचल वाहन की व्यवस्था की जाए। यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो संगठन के निर्देश पर वह आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को कई बार पूर्व में दिए गए ज्ञापनों के आधार पर हम लोगों की मांग जब नहीं मानी गई तो 12 सूत्री मांग को लेकर के आज हम पूरे जनपद में हड़ताल की घोषणा किए। इन तमाम 12 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग जो है ये हड़ताल पर, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे चल के और अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करेंगे।